सामने आए दुनिया के 6 बड़े खजाने। 23,000 करोड़ की है दौलत। आज हम आपको उन्हीं खास खजानों के बारे में बता रहे हैं जिनकी खोज अभी भी चल रही है और इन खजानों में दबी हैं मूल्यवान चीजें। खजाना शब्द सुनते ही सबके कान सतर्क हो जाते हैं कि कहां छिपा है सबसे बड़ा खजाना। खजाना तलाश का काम आज शौक से आगे निकलकर इंडस्ट्री बन चुका है, क्योंकि खजानों में छुपी दौलत लोगों को खींचती है। आज हम आपको उन्हीं खास खजानों के बारे में बता रहे हैं जिनकी खोज अभी भी चल रही है और इन खजानों में दबी हैं मूल्यवान चीजें। बता दें कि दुनिया में कम से कम 6 ऐसे बड़े खजाने हैं जिनकी खोज आज भी चल रही है। historicmysteries.com के मुताबिक इन खजानों में से अधिकांश दुर्घटना की वजह से खोए हैं, वहीं कुछ को जानबूझकर छुपाया गया है। इन खजानों की कीमत को लेकर हिस्टोरियन के बीच मतभेद हैं। इनका का खोया खजाना 6,500 करोड़ रुपए माना जाता था कि इनका सभ्यता में अल्डोराडो यानी सोने का शहर मौजूद है। इतिहासकार इस बात को कल्पना मानते हैं, हालांकि दक्षिण अमेरिका में मिले सैकड़ों सबूतों की वजह से इस बात से सभी इतिहासकार एकमत हैं कि इनका सभ्यता में सोने और चांदी के भंडार मौजूद थे। 1572 में स्पेन के साथ हुई लड़ाई के बाद इनका लोगों ने राज्य में मौजूद सोने और चांदी को किसी खुफिया जगह छुपा दिया। ब्रिटेन एक्सप्लोरर्स के मुताबिक यह खजाना 100 करोड़ डॉलर यानी करीब 6,500 करोड़ रुपए है। स्पेन का खजाना 13,000 करोड़ रुपए। साल 1715 में स्पेन ने क्यूबा से अपना सबसे बड़ा खजाना वापस देश के लिए रवाना किया था। इस खजाने को 11 जहाजों में लाया जा रहा था और आज के हिसाब से जहाजों में 200 करोड़ डॉलर यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए का खजाना था। समुद्री डाकुओं और दुश्मनों के सेनाओं से बचने के लिए स्पेन के नाविकों ने ऐसे समय का चुनाव किया जो समुद्री तूफानों के मौसम के करीब पड़ता था। हालांकि तूफानों के समय से पहले आने की वजह से क्यूबा छोड़ने के सिर्फ 6 दिन के अंदर सभी जहाज सोने चांदी और सैकड़ों नाविकों के साथ डूब गए। अब तक 7 जहाजों का पता चल चुका है। हालांकि हिस्टोरियंस के मुताबिक खजाने का अधिकांश हिस्सा अभी भी सागर में है। एम्बर रूम 1,100 करोड़ रुपए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गायब हुई कीमती आर्टिफैक्ट में सबसे ऊपर इस रूम का नाम आता है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के एक शाही महल में स्थित इस कमरे में 5,500 किलो से ज्यादा एम्बर सोना और कीमती रत्न लगे हुए थे। इस कमरे के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ के मुताबिक रूस पर आक्रमण के दौरान जर्मनी की सेना ने इस कमरे में लगी हर चीज को निकालकर अपने देश भेज दिया था, जहां मित्र सेनाओं की बमबारी में यह नष्ट हो गया। वहीं कई इतिहासकार मानते हैं कि युद्ध से पहले रूस सरकार ने इस कमरे को अपनी जगह से हटाकर सुरक्षित जगह भेज दिया। हालांकि अभी तक इस कमरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस कमरे की अनुमानित कीमत 17 करोड़ डॉलर यानी करीब 1100 करोड़ है। की वेस्ट का खजाना 1,300 करोड़ रुपए। साल 1622 स्पेन के जहाजों का बेड़ा फ्लोरिडा के की वेस्ट तट के करीब तूफान में फंसकर डूब गया था। इन डूबे हुए जहाजों में करोड़ों डॉलर मूल्य का सोना था। 1985 में मशहूर खोजी मेल फिशर 50 करोड़ डॉलर मूल्य का खजाना निकालकर हिस्टोरियन की उन बातों को सच साबित कर दिया जिनके मुताबिक इस इलाके में काफी बड़ा खजाना मौजूद था। हिस्टोरियन के मुताबिक जहाज के कैप्टन को आधिकारिक पत्र के हिसाब से अभी भी 17 टन सिल्वर बार, 1.28 लाख सोने और चांदी के सिक्के, 27 किलो वजन के कीमती पत्थर और सोने के 35 बॉक्स तलाशे जाने बाकी हैं। किंग जॉन का खजाना 13वीं शताब्दी में ब्रिटेन पर किंग जॉन का राज्य था, जिसे हीरे जवाहरात और कीमत पत्थर जमा करने का काफी शौक था। साल 1216 में एक यात्रा के दौरान राजा ने एक बड़े खजाने को जल्द राजधानी पहुंचाने के लिए उसे छोटे लेकिन दलदली इलाके से ले जाने का आदेश दे दिया। हालांकि यात्रा के दौरान ज्वार आ जाने की वजह से ये खजाना डूब गया। खजाने का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। हिस्टोरियन के मुताबिक इस खजाने में 7 करोड़ डॉलर से ज्यादा कीमत के हीरे और जवाहरात मौजूद थे।